For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. मेरा नाम डॉक्टर अनीका कंवल है. मैं माहिर अमराज नसों जच्चा बच्चा यानी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ. आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है कोरोना वायरस के हमल में माँ और बच्चे पर असरात. हमारे पास डाटा बहुत लिमिटेड है और जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी वो RCOG गाइडलाइंस के रेफरेंस से है. कोरोना वायरस ने एक वबा की तरह पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और प्रेग्नेंट औरत चूँकि कुव्वत मुदाफ़त में पहले ही दूसरों की निस्बत बहुत कम होती है, कमज़ोर होती है, इम्यूनिटी उसमें बिल्कुल नहीं होती, इस वजह से वो इस वायरस को दूसरों की निस्बत जल्दी कैच कर सकती है. इसीलिए हामला औरत को चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा एहतियात करे, घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, साथ ही सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखे, बार बार हाथ धोए, सफ़र बिल्कुल ना करें. अगर सफ़र करना पड़े वैसे मजबूरी तो अपनी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें. इसके अलावा अगर नौकरी करती है तो बेहतर यही है कि छुट्टी लेके घर में बैठे और पब्लिक डीलिंग को अवॉइड करें. इसके अलावा छोटे मोटे तिबी मसाइल के लिए अपनी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट से टेलीफोनिक मशवरा करें और क्लिनिक पर भेजा जाने से गुरेज करें. अगर जाने की ज़रूरत हो तिबी मुआयने के लिए तो फिर बाकायदा अपॉइंटमेंट लेकर फिक्स टाइम पर जाए ताकि वेटिंग एरिया में ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े. कोरोना वायरस सांस के जरिए फैलता है, इसलिए अगर कोई इन्फेक्टेड शख्स हामला औरत के सामने छींक मारे या खांसी करे तो ये वायरस आसानी हामला औरत में मुंतकिल हो सकता है. इसके अलावा ये वायरस सर्विसेज पर सेटल हो जाता है, यानी कि फर्नीचर, कमरे में पड़े हुए फर्नीचर वगैरह के ऊपर सेटल हो जाता है. और जब हामला औरत उस जगह पर हाथ लगाती है तो गंदे हाथों से भी ये हामला औरत में मुंतकिल हो जाता है. हामला औरत में इन्फेक्शन की सूरत में खुश खांसी, बुखार, जिसम दर्द, सर दर्द, मतली और बाजू का थकावट जैसी अलामात सामने आती हैं. ऐसी सूरत में हामला औरत को चाहिए कि फौरन घर में आइसोलेट हो जाए, यानी एक कमरे में अपने आप को बंद कर ले और घर वालों से मेलजोल बिल्कुल ना रखे, फेस मास्क पहन के रखे और कमरे में वेंटिलेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट ज़रूर होना चाहिए, जैसे कि खिड़की हो ताज़ा हवा के लिए. अपनी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट को टेलीफोन पर राब्ता करें और अगर वो तिब्बी मुआयने के लिए हस्पताल बुलाए तो अपनी ट्रांसपोर्ट या हुकूमत की मुहैया की गई ट्रांसपोर्ट पर ही ऐसे हस्पताल में मुआयने के लिए जाए जो हुकूमत ने बकायदा कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों के लिए मुख्तस किए हुए हैं. सिर्फ 14% हामला औरतों को हॉस्पिटल एडमिशन या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, बाकी 5% को ही वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है. जो सवाल सबसे ज़्यादा हामला औरतों को परेशान करता है वो ये है कि क्या ये वायरस माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकता है. तो अभी तक जो केसेस सामने आए हैं वो सब चाइना से हैं और उनके मुताबिक ये वायरस माँ के दूध में, बच्चे के गिर्द पानी की थैली में, बच्चे के कॉर्ड या नाड़ू में और प्लेसेंटा यानी ऑयल में नहीं पाया गया. इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वायरस के माँ से बच्चे में मुंतकली के चांसेस बहुत कम हैं. कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड माँ में नॉर्मल डिलीवरी करवाई जा सकती है, लेकिन इसमें पेचीदगियों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, औजारों की मदद से डिलीवरी करवाई जा सकती है या फिर एमरजेंसी की सूरत में बड़ा ऑपरेशन भी किया जा सकता है. पैदाइश के फौरन बाद माँ और बच्चे को 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा, यानी कि वो किसी से मिले जुलेंगे नहीं और इस दौरान में माँ बच्चे को दूध पिला सकती है क्योंकि इस वायरस को माँ के दूध में डिटेक्ट नहीं किया जा सका. माँ को चाहिए कि सफाई का बहुत खास ख्याल रखे, फेस मास्क पहने रखे और बच्चे के सामने छींकने और खांसी करने से गुरेज करें. कोरोना वायरस की वजह से हामला औरतों में एंग्जाइटी, खौफ और डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है. इसका सामना करने के लिए 3-4 बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, जैसे कि नींद पूरी करें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, हल्की फुल्की वर्जिश करें और पानी खूब पिएं, डिहाइड्रेशन से बचें, डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. मटन, अंडे की सफ़ेदी, ऑरेंज रिच फूड आइटम्स जैसे खजूरें, ड्राई फ्रूट्स और विटामिन सी रिच फूड्स जैसे कि ऑरेंजेस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें. लास्ट में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने सोशल मीडिया पर डिफरेंट फॉरम्स पे, ख़ास तौर पर जिनमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, मैं अनाउंस किया हुआ है कि आप कभी भी किसी भी वक्त मुझसे टेलीफोनिक मशवरा ले सकते हैं. इसकी मेन वजह यही है कि हामला औरत का घर में रहना बहुत ज़रूरी है उसकी सेफ्टी के लिए, इसलिए आप किसी भी वक्त मुझसे मशवरा कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया. उम्मीद है कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए. बहुत शुक्रिया.